नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। बात करते हैं राजस्थान जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत में सर्वप्रथम कानून सम्राट अशोक के द्वारा 23वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व में बनाया गया। टोंक राज्य की प्रथम रियासत थी जिसने सर्वप्रथम 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया। वन्य जीव संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों के क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा भाग अभयारण्य, तीसरा भाग अखेट निषेध क्षेत्र। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, तीसरा दरा अभयारण्य कोटा। और चार ऐसे उद्यान हैं जो प्रस्तावित हैं, मरो उद्यान जैसलमेर, सरिस्का अभयारण्य अलवर, ताल छापर अभयारण्य चूरू और कुंभलगढ़ अभयारण्य उदयपुर पाली राजसमंद। राज्य का क्षेत्रफल में बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो लगभग 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं अभयारण्य की, तो राजस्थान में कुल 26 अभयारण्य हैं। मछली अभयारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। राजस्थान में भारत का पहला मोर अभयारण्य प्रस्तावित है। भालू अभयारण्य सुंडा माता पर्वत भीलमाल जालौर, गायों का अभयारण्य बीकानेर संभाग में प्रस्तावित है। सर्प उद्यान कोटा में स्थित है। राजस्थान का पहला साइंस पार्क जयपुर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राजस्थान में कुल 24 पक्षी स्थल हैं। उदयपुर के गुलाब बाग में विश्व स्तरीय बर्ड पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य मरु उद्यारण्य जैसलमेर, मरु उद्यारण्य राजस्थान के 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसलमेर 1900 वर्ग किलोमीटर है, बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे छोटा अभयारण्य सरिस्का ए अलवर जो मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इससे पूर्व सज्जनगढ़ सबसे छोटा अभयारण्य था जो उदयपुर में स्थित है, जो 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, राज्य के 8 ऐसे जिले हैं जहाँ कोई वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान आखेट निषेध क्षेत्र मृग वन या जंतुवालय इसमें से कोई भी नहीं है। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर,
हनुमानगढ़, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, दौसा। अब बात करते हैं बाघ परियोजना की। इस परियोजना का जनक कैलाश सांकला को माना जाता है, इसलिए कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश सांकला ने बाघों के लिए दो पुस्तकें लिखी, टाइगर, रिटर्न ऑफ द टाइगर। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में की गई। 1978 में सरिस्का अभयारण्य में बाघ परियोजना चलाई गई। तो याद रखिएगा, सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में और दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का अभयारण्य अलवर में। इसी प्रकार धरा अभयारण्य में बाघ परियोजना 2013 में चलाई गई। भारत विश्व में सर्वाधिक बाघों वाला देश है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों को अखिल भारतीय अनुमान 2018 के चौथे वर्ग के परिणाम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2019 को जारी किए और ये बाघों की संख्या है। टोटल बाघों की कुल संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज अपन ने राजस्थान के वन्य जीव के अभयारण्य के बारे में अध्ययन किया। कल इसका भाग सेकंड के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।